हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और एक नया एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस अगर आप फ्री फायर गेम को अपने पीसी में डाउनलोड करना चाहते हो बैन होने के बाद तो कैसे डाउनलोड कर सकते हो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो गाइस अगर आप मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हो तो मोबाइल फ़ोन के अंदर तो बहुत सारा तरीका आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जिसके मदद से आप लोग फ्री फायर गेम को डाउनलोड कर सकते हो, मगर पीसी के अंदर एमुलेटर के अंदर डाउनलोड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। अनगज मैं इस वीडियो के अंदर फ्री फायर गेम को ऑफिशियली डाउनलोड करना सिखाऊंगा इन पीसी में। सो गाइस यहाँ पे कोई भी फ्री फायर मैक्स के बारे में बात नहीं करूँगा, ओनली फ्री फायर के बारे में बात करूँगा। आप अपने कंप्यूटर में और लैपटॉप में फ्री फायर गेम को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे इंस्टॉल करके आप लोग कैसे गेम प्ले कर सकते हो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। अनगज मैं इस वीडियो के अंदर जो ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहे हो 100% है, ऑफिशियल ट्रिक है। आप लोग गराना का ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही डाउनलोड कर सकते हो। इवन गाइज अगर आप पीसी को छोड़कर अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना चाहते हो तो इस ट्रिक को यूज करके आप लोग अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसे डाउनलोड करना है जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो मैं वीडियो बहुत ही छोटा बनाने की कोशिश की तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही वीडियो लाते रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस चले बिना टाइम का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे आप अपना कंप्यूटर में लैपटॉप में फ्री फायर गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फ्री फायर गेम को डाउनलोड करने के लिए आपके पीसी के अंदर कोई भी एक एमुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ब्लूस्टैक 5 यूज कर रहा हूँ। चाहो तो आप लोग इस एमुलेटर को डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो मैं इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग ब्लूस्टैक 5 को डाउनलोड कर लेना एंड डाउनलोड करने के बाद कुछ ओपन हो जाएगा एंड ओपन होने के बाद यहाँ पे होम पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टाइप का होम पेज देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्रोम ब्राउजर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और फाइल मैनेजर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, प्ले स्टोर भी देखने को मिल जाएगा। मगर फ्री फायर गेम तो प्ले स्टोर में नहीं है, मैं आप लोगों को फिर भी एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे फ्री फायर गेम सर्च कर लिया एंड सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्री फायर मैक्स आ रहा है। अबे फ्री फायर गेम यहाँ पे नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो फ्री फायर गेम को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो गाइस सबसे पहले आपको इसको बैक कर देना होगा एंड बैक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो सिस्टम ऐप्स है इसको आपको क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल मैनेजर देखने को मिलता है और यहाँ पे क्रोम ब्राउजर देखने को मिलता है। तो सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर को ऊपर क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एमुलेटर के अंदर क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना होगा फ्री फायर। तो सिंपली यहाँ पे आपको फ्री फायर सर्च करना होगा एंड फ्री फायर सर्च करने के बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ff.gayana.com। तो सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना ff.gayana.com, आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली आ सकते हो। तो गाइस आने के बाद कुछ स्टेप से होम पेज देखने को मिल जाएगा इस वेबसाइट का। तो नीचे में बहुत सारा आपको बैनर देखने को मिल जाएगा, जो इवेंट आया है सभी का यहाँ पे बैनर चेंज होते रहता है। तो गाइस ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डाउनलोड एपीके है और यहाँ पे डाउनलोड फ्री फायर है। तो सिंपली आपको डाउनलोड एपीके को ऊपर क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड फ्री फायर का एक ऑप्शन मिल रहा है और फ्री फायर मैक्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो मुझे तो फ्री फायर डाउनलोड करना होगा तो मैं फ्री फायर को क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोग मोबाइल फोन से डाउनलोड करते हो ऐसे ही डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुका है एंड 704 MB का एपीके है। इसके अंदर भी आप लोगों को ओबी फाइल देखने को मिल जाएगा एंड आपको ओबी फाइल को कहीं पर कॉपी एंड पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा डाउनलोड हो रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड होने देता हूँ एंड डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना होगा मैं वीडियो के आगे बता देता हूँ। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्री फायर गेम यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है एंड फ्री फायर गेम डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आप लोग देखना तो मैं इसको सीधा बैक कर दूंगा एंड बैक करने के बाद गाइस आपको इसको उड़ा देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर को ऊपर जाना होगा एंड जाने के बाद गाइस यहाँ पे जो रिसेंट एडिट के एक ऑप्शन है आपको उस वाला ऑप्शन को ऊपर जाना होगा। जाने के बाद अभी फ्री फायर का एपीके आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो आपने अभी अभी डाउनलोड किया है, अभी रिसेंट ऑप्शन के अंदर रहेगा। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के
के बाद कुछ लोडिंग वगैरह होगा। अनलोडिंग होने के बाद जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन से इंस्टॉल करते हो कोई भी एप्लीकेशन, ऐसे ही आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फ्री फायर गेम इंस्टॉल हो रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल होने देता हूँ। एंड गाइस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो सिंपली मैं इसको बैक कर दूंगा। एंड बैक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एमुलेटर के अंदर यहाँ पे फ्री फायर गेम आ चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ पे फ्री फायर को ओपन कर लूंगा। एंड ओपन करने के बाद गाइस मैं आप लोगों को सामने सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो गाइस फ्री फायर गेम ओपन करने के बाद कुछ यहाँ पे लोडिंग वगैरह होगा, कुछ यहाँ पे फाइल वगैरह डाउनलोड होगा, तो गाइस आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोग फ्री फायर गेम को खेल सकते हो अपने कंप्यूटर में और अपने लैपटॉप में। सो गाइस आप लोग ऐसे ही फ्री फायर गेम को ऑफिशियली डाउनलोड कर सकती हो।